नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रियलमी और रियलमी की नार्जो सीरीज के दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास रियलमी सी सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी C53 और दूसरा हमारे पास रियलमी की नार्जो का लेटेस्ट स्मार्टफोन नार्जो N53। तो आज हम करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बढ़िया। दोस्तों, सबसे पहले तो हम दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो रियलमी C53 दो वेरिएंट में आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 4GB 128GB वेरिएंट परचेस करते हो तो मात्र 9,999 रुपए का, और 6GB 64GB वेरिएंट परचेस करते हो तो वो आपको 11,000 रुपए का मिलेगा। वहीं पर नार्जो N53 4GB 64GB वेरिएंट मात्र 8,999 रुपए का आपको मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखें तो येलो कलर के बॉक्स में आता है रियलमी C53 और नार्जो N53 आता है ब्लू कलर के बॉक्स में, जहां पर आपको बड़े बड़े फॉन्ट में मॉडल नेम मेंशन मिलते हैं। वहीं पर बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस रेगुलर आपके लिए मैं यहां पर लाता रहता हूं। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स जैसे ही आप ओपन करते हो तो अंदर एक एक मिनी बॉक्स आपको नजर आएंगे, जिनके अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, इसके बाद फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर मिलते हैं जो काफी सॉफ्ट हैं। इसके बाद आपको मिलेंगे स्मार्टफोन, इन्हें तो फिलहाल हम रख लेते हैं साइड में और अदर एक्सेसरीज पे नजर डालें तो आपको चार्जर अडैप्टर मिलते हैं, दो बड़े बड़े साइज के व्हाइट कलर में हैवी चार्जर अडैप्टर। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है दोनों स्मार्टफोन के चार्जर अडैप्टर में। रियलमी C53 ओनली 18 वॉट का फास्ट चार्जर दे रहा है दोस्तों, जबकि N53 में आपको 33 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडैप्टर मिल जाता है। टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है दोनों स्मार्टफोन में, और केबल की जो लेंथ और क्वालिटी है वो दोनों में बिल्कुल एक जैसी मिलेगी। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक आप यहां पर देख सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने एक साथ ऑन किया और बिल्कुल एक साथ दोनों स्मार्टफोन की पावर ऑन हो गई है। अंदर जो इंटरफेस हमें नजर आया दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। सेम एज और बेजल्स दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, इसके अलावा कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड दोनों पर लगा हुआ नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को एक बार 100% कर लेते हैं। यहां जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है वो भी एक जैसा नजर आता है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम ब्राइट डिस्प्ले आपको मिलती है, कलर्स भी एक जैसे हैं। स्क्रॉल अप करते ही सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आ जाएंगे, कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दी गई है, हालांकि इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने का इंटरफेस भी आपको एक जैसा ही मिल जाता है, टच दोनों का काफी स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। रियलमी C53 में आपको मिलती है HD+ IPS LCD, जबकि N53 में आपको फुल HD+ IPS LCD दी गई है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन C53 में 720x1600 पिक्सल और N53 में 1080x2400 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी भी अलग अलग है, 260 PPI और 390 PPI। दोनों स्मार्टफोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 90.3% का दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन की जो हाइट है वो भी बिल्कुल सेम है, 167.2 mm। विड्थ दोनों की बिल्कुल सेम, 76.7 mm। थिकनेस में अंतर है दोस्तों, 7.9 mm की थिकनेस C53 में, N53 में आपको मिलेगी 7.4 mm की थिकनेस। वेट में भी अंतर है, 182 ग्राम का है नार्जो N53 और 186 ग्राम का है C53। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन में आपने देखा लगभग सब कुछ सेम ही मिल रहा है दोस्तों। बैक पैनल पे नजर डालते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में प्लास्टिक बॉडी मिलती है, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं, लेकिन अंतर नजर आ रहा है। हालांकि काफी हद तक दोनों स्मार्टफोन आईफोन से इंस्पायर है दोस्तों, दूर से पूरा आईफोन का लुक लग रहा है, लेकिन जो हमारा रियलमी C53 है इसके लेंस में काफी ज्यादा उभार आपको देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल के आसपास आपको रेनबो कलर्स नजर आएंगे जो काफी बढ़िया लग रहे हैं, वो आपको नार्जो N53 में नहीं मिलते हैं। 3 बराबर साइज के लेंस दिए गए हैं, लेकिन जो कैमरा है वो आपको C53 में ज्यादा मिलता है, 108 MP का मेन कैमरा दिया गया है, दूसरा तो एक सपोर्टर कैमरा दिया गया है। वहीं पर नार्जो N53 में आपको ओनली 50 MP का कैमरा मिलता है। आगे हम कैमरा टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे कैमरा क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो कॉर्नर हैं वो राउंडेड और यहां से बिल्कुल फ्लैट, जहां पर
आपको राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, ऊपर की साइड कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जहां पर आपको दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगाने का सपोर्ट मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। लेकिन दोस्तों यहां पर कोई रबड़ की जो कोटिंग की गई होती है सिम ट्रे पर वो नहीं है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ नहीं है। हल्के फुल्का पानी के छींटे मोबाइल के अंदर जा सकते हैं, तो सेफ्टी बनाए रखें। बॉटम में आपको जो इंटरफेस है वो एक जैसा मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। बाकी इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों सेटिंग का इंटरफेस देखते हैं, तो एक जैसा इंटरफेस है दोनों स्मार्टफोन का। नॉर्मली आपने रियलमी के जो स्मार्टफोन होते हैं उनका इंटरफेस अलग ही देखा होगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही कर दिया है, जहां पर आपको सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन, जिसे ओपन करने पर आपको यहाँ पर डिवाइस नेम मेंशन मिलते हैं। रियलमी UI वर्जन दोनों में आपको टी एडिशन का मिलता है और एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। रैम देखिए 6GB रैम के साथ C53, नार्जो N53 में आपको 4GB रैम मिलेगी। दोनों का स्टोरेज बिल्कुल सेम 64GB का है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों में आप 2TB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोनों की प्रोसेसर की, तो कोई अंतर नहीं है दोस्तों, एक जैसा प्रोसेसर है 1.8GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट यूनिसोक T612 का मिलता है, जो बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं, रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने दोनों स्मार्टफोन को देख लिया होगा, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा बोल के यहाँ पर C53 को लॉन्च कर दिया है। कैमरा में भी ज़्यादा कोई खास अंतर मुझे नज़र नहीं आया, हो सकता है आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा लग रहा होगा इसका, हालांकि जूमिंग पावर ठीक ठाक लगी मुझे इसकी रियलमी नार्जो N53 से। बाकी फ्रंट कैमरा दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं।